फ्लावर बेल्ट में तब्दील हुई गन्ना बेल्ट। फूलों की खेती ने बदली किसानों की तकदीर। किसानों के लिए वरदान बनकर आई फूलों की खेती। अब फूलों के साथ खिलेंगे किसानों के चेहरे। यूपी में गन्ना बेल्ट के नाम से जाने जाने वाला जिला अब तैयार है किसानों की तकदीर बदलने को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की, जो गन्ने की ज्यादा पैदावार होने के कारण प्रदेश भर में गन्ना बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट अब फ्लावर बेल्ट में तब्दील होने जा रही है। परंपरागत खेती के तरीकों को त्याग कर अब किसान दैनिक फसलों को अपना रहे हैं। किसान फूलों की खेती से मुनाफा कमा रहे हैं, या यूं कहें कि फूलों की खेती किसानों को एक नई राह दिखा रही है। अधिकारियों के मुताबिक गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर साल भर परेशान रहने वाला किसान फूलों की खेती को इसलिए भी ज्यादा पसंद कर रहा है क्योंकि इसमें तुरंत भुगतान की सुविधा मिलती है। और दैनिक फसलों में मुख्य रूप से ये आप फूलों की तरफ ज्यादा उनका रुझान है, क्योंकि इसमें बहुत कम लागत आती है और उनको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, और फूलों की खपत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हमारे मुरादाबाद में ही उसके लिए बाजार उपलब्ध है जितनी जनपद में हो रही थी। हर साल फूलों की खेती का दायरा बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली के नजदीक होने के चलते किसानों को बड़ी मंडियों तक फूल पहुंचाने में सुविधा हो, साथ ही स्थानीय स्तर पर भी साल भर फूलों की डिमांड बढ़ी रहती है, जिससे उन्हें फूलों की मनचाही कीमत हाथों हाथ मिलती है। क्या होता है कि किसान पूरे साल मेहनत करता है और मील पे गन्ना डालते हैं तो वहाँ पे पेमेंट टाइम पे नहीं मिल पाता, तो इस वजह से यहाँ पे फूलों की खेती की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रही है। ऐसा ना, गन्ने में जो है पूरे साल देखना पड़ता हमें, इसमें यह है कि एक बार लगा दिया अपना और फिर हर महीने महीने सही है। छोटे किसानों के लिए फूलों की खेती किसी वरदान से कम नहीं। साल भर मेहनत के बाद गन्ना उगाने वाले इन किसानों को भुगतान के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता था, जिसके चलते परिवार के सामने रोजी रोटी तक का संकट आ जाता था। फूलों की खेती से किसानों को भुगतान की समस्या से निजात मिली और मुनाफा भी ज्यादा मिला, जिससे फूलों की तरह किसानों के चेहरे भी खिल उठे।